हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले, जरा बताएंगे आप। मेजर गौरव आर्या लेटेस्ट ऑन इंडिया मिसाइल अटैक ऑन पाकिस्तान, पाक मीडिया ऑन इंडिया। चले वीडियो देखते हैं। मेजर गौरव आर्या ने, हमने खान सर की वीडियो देखी थी ना, ब्रह्मोस की, है ना, तो उन्होंने बताया था कि हमने जानबूझ के मतलब कि मारा था ये वो। मेजर गौरव आर्या तो क्योंकि आर्मी में है, उनको ज्यादा बेहतर पता होगा। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, लगता कहेंगे गलती से। देखते हैं कि मेजर गौरव आर्या ने मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में क्या कहा, देखते हैं। और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वीडियो उधर भी देख रहे हैं, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं, गो देखते हैं। इनको सब्सक्राइब कर लेना। हमने से उल्टी खबर आ रही है कि जो जनरल फैज हैं डीजीआईएसआई, जनरल फैज जो डीजीआईएसआई हैं, जो कि इमरान खान को जिन्होंने आशीर्वाद दे रखा है, अब जनरल बाजवा चाह रहे हैं इमरान खान निकल जाए, क्योंकि इमरान खान इज अ इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान एंड इट टेक्स अ लॉट फॉर पाकिस्तान टू बी एम्बैरेस्ड। मतलब पाकिस्तान आसानी से बेइज्जती महसूस नहीं करता, आपको बड़ा कांड होता है तब उनको बेइज्जती महसूस होती है, तो इमरान खान वो बड़ा कांड है। अब वो क्या कि जनरल फैज चाहते हैं इमरान खान बना रहे, क्योंकि उन्होंने काफी अपनी कैपिटल उसमें लगा दी है। बाजवा साहब चाहते हैं फारिग हो जाएं, घर चले जाएं, इसके बीच में वहां पे कश्मकश चल रही है। अब क्या हुआ कि जैसे इन्होंने बोला कि जब तक आप 370 वापस बहाल नहीं करेंगे, 35 से वापस नहीं लाएंगे, हम भारत के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये इन्होंने लोगों ने काफी तालियां बजाई, जाहिल तो लोग हैं, सब लोग ताली बजाने लगे। अब इशू ये है सर कि लोगों को ये नहीं पता कि पाकिस्तानी लोगों को जो दवाइयां खाते हो भारत से अभी भी आती है। फार्मास्यूटिकल 90% ऑफ द फार्मास्यूटिकल एंड वैक्सीनेशन दैट गोज इवन फॉर स्मॉल लिटिल थिंग्स। इनके सर पोलियो के कतरे इंडिया ने भेजे हैं, इनके पास बेसिकली कुछ भी नहीं है, पूरा मैदान साफ है इनका। पर इन्होंने अपने भाइयों को नहीं दिया सारी डायरेक्टली, जो भी जो नहीं नहीं सर, ये मेडिसिन तो डायरेक्टली लेते हैं दुबई होके, बाकी चीजें जाती हैं। बाकी चीजें कैसे जाती है मैं आपको बताता हूँ। दुबई और कतर होकर जो बाकी चीजें जाती है ना सर, 100 रुपए की चीज 500 रुपए में बिकती है। ये तो नुकसान है, और वो भी इनके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वो भी इमरान खान की कैबिनेट के कुछ लोग हैं जो ये सब कारोबार करते हैं साइड में। They are making good money, sir. वो बिचौलिए हैं ना, वो बनाते हैं ना वो खरीदते हैं, वो बीच का, जैसे आपने शुरू में बोला था ना कि अमेरिका और चाइना की दोस्ती करवा देंगे, वही है कि बीच में जो जैसे ब्रोकर होता है, प्रॉपर्टी ब्रोकर, ना उसने मकान खरीदना है ना बेचना है, उसने अपना सर 2% जेब में डाल के आगे बढ़ना है। तो यही पाकिस्तान का काम है। तो दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन साइड पाकिस्तान सर। ये डबल स्पीक की जो आप बात कर रहे हैं ना, डबल स्पीक, अच्छा सब पाकिस्तान में लोगों के सामने, क्योंकि अब लोग भी पूछने लगे हैं, तो सब लोगों के सामने प्रूफ करना है कि सबसे बड़ा आशिक रसूल मैं हूं, ये बोलना है सबसे बड़ा आशिक। अब वो मैडम थी अस्मा, क्या नाम है उनका, नाम भूल गया मैं, जो पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन है नेशनल असेंबली, वो कहती है मैं जिहाद जाऊंगी, अस्मा जहांगीर, सर अस्मा जहांगीर, तो ये दूसरी मैं नाम भूल रहा हूं उनका सर, तो हाँ तो ये है, तो दिस लेडी वो सेइंग कि मुझे जिहाद पे भेजो, तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, जिहाद कौन जाएगा सर, गरीब का बच्चा जाएगा। अब आप डिग करेंगे तो आपको पता लगेगा ये जो खातिन थी, इनका तो बेटा बाहर पढ़ रहा होगा या बाहर सेटल्ड होगा, क्योंकि कोई भी अकलमंद पाकिस्तानी अपने बच्चों को पाकिस्तान में नहीं रखता। इसके बाद थोड़ा पैसा होगा लंदन, कनाडा, यूएस, कोई पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। तो ये जब तक इनके पास पैसा आने का इम्कान है, या पैसा आने के इनके पास इंडिकेशन है कि कुछ करके कश्मीर का नाम लेके, इस्लाम का नाम लेके, रसूल अल्लाह का नाम लेके, उनकी शान का नाम लेके, कुछ गोल घुमा के हमारे पास कुछ पैसे आ सकते हैं, तब तक ये पैसे लेंगे। जिस दिन उनको पता लगा कि भाई अब दुकान बंद हो गई, इन सब के साथ डुअल पासपोर्ट्स हैं, मोहित यूसुफ है जो उनका एनएसए है, जो पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ, ही इज एन अमेरिकन सिटीजन सर, वो अमेरिकन सिटीजन है, उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट है। इनकी कैबिनेट में लोग हैं जिनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, जैसे इनके जनरल रिटायर होते हैं, दे टेक अनदर दिस थिंग सर, ये दूसरा पासपोर्ट लेके बाहर भाग जाते हैं। इनके आर्मी चीफ बाहर बैठते हैं, देश के जो रिटायर हो गए बाहर बैठ जाते हैं सर, मुशर्रफ बाहर बैठा हुआ है, अशफाक परवेज क्या नहीं बाहर बैठा हुआ है, ये आपका ये क्या नाम कहते हैं, रहील शरीफ बाहर बैठा हुआ है। आपने कभी इंडिया में देखा सर कि इंडिया का आर्मी चीफ जाके बाहर, ये सब अपने मुल्क को छोड़ चुके हैं, सब पैराशूट लगाए हुए जहाज बैठे हैं सर, जब देखेंगे इंजन से धुआं निकल रहा है कूद जाएंगे नीचे, बाकी पाकिस्तान क्रैश हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों ने क्या करा कि इनको लगा कि इस तरीके से करके कुछ ना कुछ इनको फायदा हो जाएगा, फ्रांस के ऊपर हम प्रेशर डालेंगे सर। इनके अभी भी काफी कुछ जो इनके फाइटर जेट्स हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के, वो फ्रेंच हैं, डसॉल्ट एविएशन के, इनके पास फाइटर जेट्स भी हैं। इनको फ्रांस से ये चाह रहे थे कि फ्रांस के ऊपर प्रेशर डालें, कुछ पैसा ले ले। देखिए साहब, जो हुक होता है ना पाकिस्तान का, हुक इज ऑलवेज मनी, आपके पैर पड़ के
आपके चरणों पर सर रख के, आपको धमकी दे के, आपके माथे पे पिस्टल रख के कुछ करके आपसे 2 रुपए ले लें, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है सर। चाहे फिर उसमें अब देखिए लवायक क्या बात करी उन्होंने, हमारे बच्चे कुर्बान रसूल की शान पे, यानी प्रोफेट मोहम्मद की शान पे हमारे बच्चे कुर्बान, ये इनके डायलॉग हैं सर। ठीक है, असेंबली में सर, इनके नेशनल असेंबली में जो कि इनकी पार्लियामेंट है वहां पे, हमारी जायदाद है कुर्बान, बच्चे बाहर बैठे, हम कुर्बान, हमारी गर्दन है कुर्बान, हम उनके गुलाम हैं, ये सब इन्होंने सर 70-80s की हिंदी फिल्मों वाले सारे के सारे डायलॉग मारे इन्होंने। अच्छा, लवायक वालों को इन्होंने मरवा दिया सर, पता नहीं 100 मरे 150, किसी को नहीं पता एग्जैक्ट फिगर्स कितने लड़क वाले मर गए, हो गया सर। अचानक एक दिन आप देखते हैं, फ्रांस का आपने, फ्रांस के हवाले से आपने बात करी थी, अचानक एक दिन आप देखते हैं कि सब कुछ साफ, क्या कहां गया लवायक, मैं ये जानना चाहता हूं आज खैर में लवायक क्या, क्या फ्रांस ने माफी मांग ली पाकिस्तान से? नहीं, एकदम से गायब हो गए ना। क्या फ्रांस ने माफी मांग ली? क्या फ्रांस ने अपना सफीर, जो अपना एम्बेसडर वापस मंगवा लिया? क्या फ्रांस ने पैर पड़ लिए पाकिस्तान के? क्या फ्रांस ने इनको आश्वासन दे दिया, एक भरोसा दे दिया कि फिर प्रॉफिट मोहम्मद का कोई कार्टून नहीं बनेगा आगे से फ्रांस में, हम आपको विश्वास? क्या हुआ अचानक, ऐसा क्या हो गया कि लवायक वाले वापस घर चले गए, सब कुछ शांत हो गया पाकिस्तान में? इन्होंने सर किसी को नहीं छोड़ा, मैं बता रहा हूं, दे डोंट हैव एनी कैरेक्टर एट ऑल। इन्होंने अपने मजहब बेच दिया, अपने प्रॉफिट की जो शान के बारे में कहते हैं गर्दन कटवाएंगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उसमें डील कर ली, पाकिस्तानियों ने पैसे के लिए सबसे डील कर ली, वही चाह रहे थे पैलेस्टीन में, फिर वो सीज फायर हो गया तो जेब कर ली दोबारा, लेकिन दिस इज व्हाट इज हैपेंड सर। कहां गया लवायक सर? 15 दिन पाकिस्तान का खून खराबा लाहौर में, यतीम खाना चौक में, आप चल नहीं सकते थे, इतनी गोलीबारी हो रही थी, इतनी टियर गैस थी, अचानक एक दिन साद रिज़वी गायब, किसी को नहीं पता कौन कहां गया, लवायक वाले कहां गए, सब चुप, और पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस भी, चलिए आपने साद रिज़वी को जेल में डाल दिया, लवायक वालों को भगा दिया आपने फोर्स यूज करके, डन। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कह रहे थे हमारे बच्चे कुर्बान, एक ने तो यह तक बोल दिया कि फ्रांस का कर्जा कितना है, किसी ने बोला साहब $12 बिलियन, ऐसी कोई किसी ने ऑड फिगर दिया कि $12 बिलियन, कहता मैं अपनी जायदाद बेचूंगा फ्रांस कर्जा चुकाने के लिए, हम सब अपनी जायदादें बेच देंगे। अच्छा, ये उसने छोड़ दी, ये उसने छोड़ दी सर पार्लियामेंट में, अपनी नेशनल असेंबली में। अब वो आदमी चुपचाप से गायब हो गया है बोलने के बाद, लोगों में हीरो बन गया कि साहब ये तो प्रॉफिट मोहम्मद की शान पे ये अपनी जायदादें बेच देगा, कोई कहता मैं अपने बच्चे कुर्बान कर दूंगा, ये सब उन्होंने डायलॉग वायलॉग मारा। अपनी बढ़िया सी सर मर्सिडीज एस क्लास में बैठे ये लोग, घर गए आराम से नान वान कीमा खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, इनको मैं बता रहा हूं, ये फिर पाकिस्तानियों को एक बार जेब काट दी उन्हीं के ऊपर, ये सच्ची बात है पूरी फ्रांस का जो है मामला, दोबारा देता हूं। और ये बार बार एग्जांपल देने की जरूरत है, लोग समझ जाएं, ये वही एग्जांपल है शोले फिल्म में, जैसे वीरू था ना जो टंकी पे चढ़ गया था कि मेरी शादी नहीं होगी बसंती के साथ तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मौसी जेल जाएगी, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। अब देखिए, इन्होंने पहले अमेरिका को डराया, इन्होंने ये बोला अमेरिका को कि आप देखिए कि यू नो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर हम अनस्टेबल हो गए तो क्या हुआ, अमेरिका डर गया। इन्होंने हैशटैग चलाया था मुस्लिम्स फॉर बाइडेन, और $4-5 मिलियन कुछ इकट्ठा भी करवाए थे इन्होंने, और बाइडेन को उसके अपने जब इलेक्शन कैंपेन थी उसके लिए हेल्प भी करा था पाकिस्तानियों ने। अब बाइडेन पुराना ओबामा का चेहरा है सर, और ओबामा वो आदमी है जो कि वर्ल्ड पीस की बात करते करते उसने इतनी ड्रोन स्ट्राइक करवाई है पाकिस्तान में, उसने नॉर्थ वेस्ट पूरा पाकिस्तान पूरा साफ करवा दिया ड्रोन स्ट्राइक, हजारों ड्रोन स्ट्राइक करवाई उसने, और सैकड़ों पाकिस्तानियों को मरवाने के बाद वो गया आदमी, मैं तो उसको सैल्यूट करता हूं ओबामा को, उसने इतने पाकिस्तानी मारे, फिर उसके बाद वो नोबेल पीस प्राइज भी ले आया सर ओबामा, और सब कुछ करके 2 बार प्रेसिडेंट बनकर रिटायर हो गया ओबामा। अब क्या होगा कि इन्होंने बोला बाइडेन जो आएगा फिर हम चाइना और इनके बीच में बैलेंसिंग करेंगे, चाइना से कुछ पैसे लेंगे। अच्छा, चाइना को $9 बिलियन देने थे इनको, चाइना ने रिड्यूस करके 6 करा, 6 से अब रिड्यूस करके चाइना ने 0 कर दिया। चाइना ने बोला तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें हम समय भी दें, पैसा तो बहुत बड़ी चीज है, भागो यहां से। अब ये परेशान हो गए, तो अब चीन का, यह चीन ने सब कुछ रोक दिया सर, सीपैक रोक दिया, सब कुछ रोक दिया। अब अमेरिका हट रहा है अफगानिस्तान से। इनके पास 2 लीवर थे अफगानिस्तान में, एक तो लीवर यह था कि अगर अमेरिका रहता है तो अमेरिका का सारा साजो सामान बिल्कुल पाकिस्तान के थ्रू जाता है, तो एक हमारे पास लेवरेज है, अमेरिका कुछ कहेगा तो हम अमेरिका को टाइट कर सकते हैं। जैसे सलाला चेक पोस्ट का वाकये के बाद इन्होंने कुछ कुछ करा था, अपना दिखाया था, रंग फिर लाइन पर आ गए थे पैसे वैसे खा के। और दूसरा मामला यह था सर इनका कि अगर अमेरिका चला भी जाता है वापस, तो कम से कम हम पोस्ट अमेरिकन एग्जिट या पोस्ट इंटरनेशनल जो भी आर्मीज थी वहां पे कोलिशन था उसके एग्जिट के बाद वी विल हैव सम से इन अफगानिस्तान, हम कुछ तो अफगानिस्तान में कर पाएंगे। इनका ये था कि हम अफगानिस्तान में चाइना को ले आएंगे। व्हाट? अफगानिस्तान में चाइना को ले आएंगे। चाइनीज तो बड़े तेज है सर, चाइनीज ने यह बोला कि भाई हमें पाकिस्तान की क्या जरूरत है, हमें अफगानिस्तान जाना है तो why do we need पाकिस्तान टू गो टू अफगानिस्तान, वैसे ही चले जाएंगे। उन्होंने साइन कर दिया सर 400 बिलियन की डील ईरान के साथ। ठीक है,
हो गया, दे हैव सर्कमवेंटेड पाकिस्तान, पाकिस्तान की फिर एक बार जेब कट गई। अब पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं रह गया। ये जो पूरा जियो, इन्होंने अपनी इकोनॉमी डेवलप नहीं करी सर, इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करा, इन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारी इतनी जबरदस्त है कि लोग इसी से इंप्रेस हो। और ये जिन्ना ने इनके दिमाग में कीड़ा डाला था कि तुम अगर नौकरी भी नहीं करोगे तुम ऐसे दामाद हो जिसको बैठ के दुनिया खिलाएगी। यही बिलीफ से 73 साल से मुल्क चल रहा है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, लोग हमें बैठ के खिलाएंगे। अब लोगों ने खिलाना बंद कर दिया। बाइडेन ने तो बोल दिया कि मैं साल के एंड तक निकल जाऊंगा। वो 9/11 की एनिवर्सरी तक की बात कर रहा है। डिले हो गया सर, दिसंबर तक, जनवरी तक, फरवरी तक अमेरिकन फोर्सेस चले जाएंगे वापस। प्रेसिडेंट हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि वी आर गेटिंग आउट, फिर क्या करेंगे। अब इन्होंने, अमेरिका ने दो बेसिस मांग लिए पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान फिर खौफ खा रहा है कि हमसे बेसिस मांग लिए। तो हर जगह से फंसा हुआ है सर, पाकिस्तान हर जगह से फंसा हुआ है। इसलिए इमरान खान को हटा दिया रास्ते से। लेकिन इमरान खान वापस आएगा, यकीनन आएगा। और इनकी बात सही थी जो मतलब कि जनरल है और बोलते हैं कि हम अपने बच्चों की मतलब के मतलब जान दे दे, जाने कुर्बान कर देंगे, ये वो, बच्चे खुद बाहर है, ये वो। ये बात से सहमत करता हूँ मैं, और ये बात सही थी, और काफी बात सही थी कि चल जाएगा। और इमरान, और इमरान खान कह रहा हूँ पाकिस्तान ने अपना मतलब कि नेगेटिव जिहाद का मतलब ना बहुत ही बकवास बना दी है लोगों ने दुनिया में। जिहाद एक बहुत बड़ी चीज है, बड़ी चीज है, मतलब कि ये छोटी छोटी बात पे जिहाद, जिहाद यार ये थोड़ी है कि सर काटो दूसरा वजह के बम फाड़ो, ये जिहाद नहीं है भाई। मैं पहले कह रहा हूँ ये जिहाद बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं जाके बम फाड़ दो, खुद कुछ हमला करो, ये जिहाद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिहाद का मतलब पॉजिटिव भी है कि लोगों को दिल में, लोगों को दिल में मोहब्बत डालना, ये है जिहाद। असली जिहाद जो है ये है, ये नहीं कि बॉम्ब फाड़ना, असली जिहाद ये बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्या बना दिए, और फालतू बोलते थे जिहाद कर लेंगे, ये बोल रहे बहुत बुरी बात है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लामिक उसमें जिहाद, लेकिन पता नहीं क्या बनाना। हाँ, और मजे की बात जो बोलते हैं ना वो खुद गायब हो जाते हैं और खुद पाकिस्तान से छोड़ के निकल लेते हैं जब रिटायर होते हैं। और पीछे से हाँ, पीछे जो आवाम होती है ना वो पागल हो जाती है और वो ब्रेन वॉश हो जाती है और कूद पड़ती है। जिहाद का मतलब तो समझो यार। और अच्छी लगी इनकी बात, मतलब इन्होंने सच्चाई बताई है कि पाकिस्तान ने अपना इतना स्ट्रांग नहीं की इकनॉमी, और ये नहीं किया काम, मतलब काम करना चाहिए था। वो तो हम भी बोलते हैं पाकिस्तान में, मतलब के काम कारोबार वो बिजनेस ऐसे होने चाहिए थे कि हमें दूसरों की जरूरत ना पड़े, लेकिन किया ही नहीं कुछ, सब बाहर से आता है यार, ये गलत बात है वो। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं फ्यूचर में कुछ करने की ट्राई करूंगा। okay, आप मतलब पॉलिटिक्स में जाके यार कुछ तो, या पॉलिटिक्स, अब यंग जनरेशन को संभालना पड़ेगा पाकिस्तान की, क्योंकि पॉलिटिक्स में आए और मतलब कि जो अपना दिमाग है वो यूज करके प्रॉपर सही करें, ये तो मतलब कि जो बूढ़े बूढ़े बैठे हुए खाते रहेंगे मुल्क। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।